वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो वर्किंग कैपिटल क्रेडिट असेसमेंट का हमने जो टॉपिक था लास्ट में, मैं अपनी थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से वीडियो नहीं बना पाया था लास्ट संडे, तो आज हम वापस आ गए हैं अपनी वीडियो के साथ। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि ये सभी लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि DSCR रेशो क्या होती है, डेप्थ सर्विस कवरेज रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मीनिंग होता है इसका रियल, क्या इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्या चीज़ कैसे देखता है बेसिकली बैंक इसको, डेट सीआर डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो आज इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट टॉक डिटेल में करेंगे, आज इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे कि ये क्या रेशियो है, कैसे बनती है ये रेशियो, और उसमें क्या एक दो मैं आपको पॉइंट हाईलाइट करके बताऊंगा कि ये क्या लैगिंग है, मतलब क्या लैगिंग है इस रेशियो के अंदर, क्या एक पॉइंट है ऐसा कि जो आप लॉजिकली खुद भी सोचेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये रेशियो में पॉइंट गलत है, तो कल को अपने को इस वजह से दिक्कत भी आ सकती है क्लाइंट का रियलिटी समझने में, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, अभी आप फॉर्मूले की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, अभी सिर्फ हम पहले समझते हैं कि रेशो क्या है, फॉर्मूला हम अपने आप खुद बना लेंगे। तो अभी बेसिकली जो DSCR का जो टॉपिक है, तो जैसे कॉन्सेप्ट टॉक आज हो गया तो उसके ऊपर मैं आपको कोई क्वेश्चनियर्स वगैरह नहीं करवाने वाला आज, क्योंकि उसके लिए मेरे को एक अलग एक्सेल शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल DSCR की कैलकुलेशन का। तो उसके अंदर एक दो केस स्टडी मैं माइट भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूं कवर। तो आज अपना मोटिव है कि हमें ये रेशियो समझ में आ जाए कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं रेशियो। तो देखिए, सबसे पहले तो इस रेशियो की डेफिनेशन को समझते हैं कि ये रेशियो का क्या मीनिंग है, मतलब ये डेफिनेशन मैंने खुद ही डिजाइन की है अभी। तो DSCR क्या है, डेट सर्विस कवरेज रेशो क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस की एबिलिटी टू जनरेट सफिशिएंट कैश। देखिए वर्ड्स पे ध्यान देना है कि वो बिजनेस जो हम कर रहे हैं, जो बिजनेस से हम कमाई धंधा जो भी कर रहे हैं, उससे जो हम कैश जनरेट कर रहे हैं, कैश जनरेट मतलब खर्चे निकालने के बाद जो हम कैश निकाल पा रहे हैं, कैश कहां से, नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस से, नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस से। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई किराना आइटम्स का काम शुरू किया और उसके अंदर अपने को अचानक कोई हमने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, उस प्रॉपर्टी को बेचने से हमारे पास जो कैश जनरेट हो गया वो भी मेरे बिजनेस का प्रॉफिट हो गया, इस तरह से नहीं। हमने प्रॉफिट वो देखना है जो हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस कमाया है, कि जो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी अगर हम ये काम करेंगे तो इतना कमा लेंगे, या ये प्रॉफिट हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस हर एक साल आने वाला है। तो नॉर्मल ऑपरेशन से जो बिजनेस से जो हमने कैश जनरेट किया, देखिए वर्ड है यहां पे कैश, ठीक है, इसके ऊपर हम जोर देंगे बाद में। सो दैट द लोन लायबिलिटीज कैन बी पेड ऑफ, लोन लायबिलिटीज उसकी पे ऑफ हो जाए। लोन लायबिलिटीज के ऊपर भी डिस्कशन है डिटेल्ड की, क्या लोन लायबिलिटीज लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो तीन भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है कि एक तो बिजनेस में से कैश जनरेशन अपने को कैलकुलेट करना आना चाहिए कि हमने कितना कैश कमाया, और वो कैश हमारा नॉर्मल ऑपरेशन से होना चाहिए, और हमने तीसरी चीज देखनी है कि कौन से ऐसे लोन्स हैं जिनको हमने पे करना है उस कैश जनरेशन से, ठीक है। तो DSCR इज द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू जनरेट सफिशिएंट कैश फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेशंस सो दैट द लायबिलिटीज कैन बी, लोन लायबिलिटीज कैन बी पेड ऑफ, लोन की लायबिलिटीज हम पे ऑफ कर पाए, ठीक है। तो अभी इसको डेफिनेशन को तो हमने पढ़ लिया, आपने नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए। तो अब मतलब समझने वाली बात क्या है, देखिए जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू मतलब टोटल कमाई, टोटल अर्निंग। जैसे मैंने 500 रुपए का सेल कर दिया तो वो 500 रुपया मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया, टोटल अर्निंग हो गई, ठीक है। उसमें से हम अपने एक्सपेंस, अब जो ये रेवेन्यू है, सिंपल तरीके से समझें, जो ये मैंने 500 रुपया सेल ऑफ गुड्स से कमाया, 500 रुपया जो मैंने सेल ऑफ गुड्स से कमाया, अब इन सेल ऑफ गुड्स वाले जो पैसा है इसको मैं एट्रीब्यूट करूंगा, इसको मैं बांटूंगा, इस पैसे को किसको किसको बांटूंगा, पहले तो मैं बिजनेस एक्सपेंसिस के लिए बांटूंगा, बिजनेस एक्सपेंसिस के लिए बांट गया मतलब जो मैंने गुड्स बनाई उनको मैंने परचेज भी तो किया होगा, कोई रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं तो ट्रेडिंग को परचेज किया होगा, परचेज करके उसको खर्चे, उसके डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसिस किए होंगे मैंने। बिजनेस एक्सपेंसिस में जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसिस आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसिस कर दिए, तो
ये जब पे कर दिया तो उसके बाद मेरे पास इनमें से ये मान लो मैंने पे कर दिया 400 रुपए का, 400 रुपए का ये पे कर दिया तो मेरे पास 100 रुपीज बच गए। अब ये 100 रुपीज बचे हैं, ये है कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अब मान लीजिए अब इस 100 रुपए में से, 100 रुपए में से मैंने 50 रुपए के अदर इनडायरेक्ट खर्चे कर दिए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कर दिए, कोई सैलरी के खर्चे कर दिए, अकाउंटेंट को फीस दे दी, वॉचमैन को सैलरी दे दी, कोई भी और अपने बिजनेस के खर्चे लगा लीजिए, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, स्टाफ के टी एक्सपेंसिस का खर्चा हो गया, तो वो सारा खर्चा मैंने निकाल दिया। वो तो अब देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस का पार्ट है। तो अपने पास कितना बचा, 50 रुपए का खर्चा बचा। ये कौन सा प्रॉफिट बचा है, तो ये प्रॉफिट ही, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर लोन प्रोवाइडर्स, लोन प्रोवाइडर्स गवर्नमेंट एंड ओनर इटसेल्फ। अब 50 रुपए बच गए, इस 50 रुपए में से मैं सबसे पहले तो लोन प्रोवाइडर्स को पेमेंट करूंगा। लोन प्रोवाइडर्स को क्या पेमेंट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, इंटरेस्ट का खर्चा आता है, प्रिंसिपल थोड़ी आता है, प्रिंसिपल तो बैलेंस शीट की आइटम है। तो मैं यहां पे इंटरेस्ट का खर्चा पे करूंगा सबसे पहले, तो इन्हीं को पे करूंगा ना, क्योंकि मैं अपने लिए तो सबसे लास्ट में बचाऊंगा भाई। हम जो ओनर होता है बिजनेस का, उसके लिए तो सबसे लास्ट में प्रॉफिट बचता होता है। जब सब सब लोग सेटिस्फाई हो जाए, लोन प्रोवाइडर्स सेटिस्फाई हो जाए, गवर्नमेंट को उनका शेयर मिल जाए, तो जो बची कुची चीज होती है वो मुझे मिलती है, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, तो बची हुई चीज आपको मिलती है। तो 50 रुपए में से मैंने 20 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा, अब 30 रुपए बच गया। अब ये 30 रुपए मैं किसको इसको दूंगा, गवर्नमेंट को दूंगा और खुद को दूंगा। अब मान लो मैंने 30% रेट के हिसाब से 9 रुपए इसको टैक्स दे दिया, 9 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो बचा कितना, 29 रुपए। अब ये जो 29 रुपए बचा, ये मेरे लिए बचा सेल्फ, मेरे लिए बचा जो मैंने 21 रुपए, 21 रुपए जो बचा ये मेरे लिए बचा, जो मैं ओनर हूं या पार्टनर हूं या डायरेक्टर हूं या शेयर होल्डर हूं कंपनी का, तो ये मेरे लिए बचा प्रॉफिट 21 रुपए का। ठीक है, तो जो डीएसईआर है, डीएसईआर में हम ये नेगेटिविटी के साथ चलते हैं कि अगर कल को कुछ भी ना हुआ तो अगर हम हमारे लिए कुछ ना बचे, गवर्नमेंट के लिए कुछ ना बचे, बट एटलीस्ट जो हमारे लोन प्रोवाइडर्स को देने तक का जो प्रॉफिट है, देने तक का जो प्रॉफिट है, यहां तक का जो प्रॉफिट है, इट शुड बी सफिशियंट कि वो उससे मेरी इंटरेस्ट रिपेमेंट भी हो जाए, प्लस प्रिंसिपल रिपेमेंट भी हो जाए, प्लस प्रिंसिपल रिपेमेंट भी हो जाए। इंटरेस्ट रिपेमेंट तो जो होनी है वो होनी ही है, प्लस जो कैश जनरेशन इसमें से आनी है उससे मेरा इंटरेस्ट का खर्चा 20 रुपए का भी निकले और मेरा जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है वो भी निकले, तभी मैं मानूंगा कि मैंने बिजनेस में से अच्छा प्रॉफिट कमाया है उस पैसे को यूज करके। तो उसी चीज को हमने समझना है। अभी आप ज्यादा सोचिए मत, अभी बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अब इसको ध्यान से देखिए। अब ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक वर्टिकल स्नैपशॉट मैंने आपको बना के दिया, आपके पास टी फॉर्मेट में भी वो आता होगा, वैसे उसको मैंने वर्टिकली प्रेजेंट कर दिया। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे आ गई मेरी सेल्स, जो ये सेल्स है मेरा नॉर्मल बिजनेस पार्ट हो गया, नॉर्मल बिजनेस पार्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये सेल्स से मैंने पैसा कमाया। यहां पे मैंने अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से पैसा कमाया। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब जो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में मेरे को रेवेन्यूज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो एक्सपोर्ट के बिजनेस में आपका जो लाइसेंस अर्न करते हैं आप, जो गवर्नमेंट का, उसका सेल करते रहते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक आप अर्न करते रहते हैं, या नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में आप डिस्काउंट रिसीव्ड अर्न करते रहते हैं। ठीक है, या कई बार आपका आयरन एंड स्टील का काम है, तो आयरन एंड स्टील में आपका स्क्रैप निकलता है, तो उस स्क्रैप को आप सेल कर देते हैं, तो स्क्रैप सेल से आप इनकम जनरेट करते हैं। तो ये नॉर्मल बिजनेस का ही पार्ट हो जाता है, नॉर्मल बिजनेस का ही पार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है प्लस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। भाई नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो होता है जो आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है, जो आपको वन टाइम इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स आ गया, आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट इनकम आपने जनरेट कर ली, कोई आपको डिविडेंड इनकम आ गई, कोई मिसलिनियस इनकम आ गई जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सेप्शनली आपको आ गई,
या आपने पिछले साल कोई प्रोविजंस को बनाया था, उन प्रोविजंस को आपने अब राइट बैक कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, तो आपने इनकम साइड पे डाल दिया। तो उस तरह से नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो आपके रेगुलर बिजनेस का पार्ट नहीं है, रेगुलर बिजनेस का पार्ट नहीं है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आने वाले सालों में आपको नहीं होंगे, क्योंकि जब रेगुलर बिजनेस का पार्ट नहीं है तो इसकी हम उम्मीद कैसे लगाएं कि ये आने वाले सालों में हमें रिपीट होंगे, ठीक है। तो पर खैर ये आपके टोटल रेवेन्यू में तो एडेड ही होते हैं, टोटल रेवेन्यू जो आपका निकल के आता है उसमें ये सारी चीज आपकी एड होती है। अब ये आपने टोटल बिजनेस में से पैसा अपना कमा लिया, टोटल रेवेन्यू आपके पास निकल के आ गया। अब इस टोटल रेवेन्यू में से आपने कुछ ऐसे खर्चे कर दिए सिमिलर टू दैट, जैसे ये नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू होते हैं उसी तरह से आपके नॉन ऑपरेटिंग कुछ खर्चे हो गए जो एक्सेप्शनल खर्चे हैं, जो रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है, रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है, जो आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपका लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, आपको लगा कि यार ये तो मतलब एक्सेप्शनल खर्चा हो गया, या फॉर एग्जाम्पल आपने कोई आपके यहाँ पे कोई रेड पड़ गई, तो उस रेड के चक्कर में आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ गई, एक्सेप्शनली कोई पेनल्टी 10-20 लाख रुपए की आपने दे दी। तो ऐसा नॉन ऑपरेटिंग खर्चा जो आपका रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं था, आपको पता है कि ये हर साल नहीं होने वाला, तो इस तरह के एक्सेप्शनल खर्चे को, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई अंदर, मतलब एक्सेप्शनल नेचर ऑफ खर्चा देखना है, अनयूजुअल नेचर देखनी है उसकी, आपको खर्चे को पढ़ना पड़ेगा और अनयूजुअलिटी को जज करना पड़ेगा कि भाई ये अनयूजुअल नेचर का खर्चा है, ये बार बार नहीं होता बिजनेस में, ठीक है। तो उसको आप माइनस यहाँ पे करते ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो जब तो यहाँ पे आ गए आपके रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस, जिसमें आपके परचेजेस आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के सारे खर्चे आ गए जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे एक्सपेंसेस यहाँ पे आ गए जो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में अपने होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नॉन कैश नेचर के होते हैं। अब नॉन कैश नेचर के कैसे खर्चे, जैसे कोई अमोर्टाइजेशन है, आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दिया, आपने कोई प्रोविजंस फॉर ग्रेच्युटी बना ली। अब प्रोविजन बनाई है वो तो आपने एक खर्चे का नेचर डाल दिया, पर उस खर्चे में आपका कोई कैश नहीं गया। सबसे बड़ा एग्जांपल है डेप्रिसिएशन, आपने कोई डेप्रिसिएशन का खर्चा किया, तो डेप्रिसिएशन के खर्चे में आपको कोई कैश तो देना पड़ता नहीं है किसी को भी। तो ये उस तरह के खर्चे होते हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, बट इनके लिए हमें कुछ कैश किसी को पे करना नहीं पड़ता। उसके बाद ये जो माइनस करने के बाद, ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे, ये वो वाला प्रॉफिट है जो अवेलेबल है फॉर पेमेंट टू गवर्नमेंट, टू बैंकर्स या फाइनेंस कंपनीज एंड टू माइसेल्फ ओनर, ठीक है। ये वो वाला प्रॉफिट है, उसमें से सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट का भी रूल है जो हम भी फॉलो, सभी फॉलो करते हैं, जो ये प्रॉफिट बचा, अब ये तीन बंदे हैं लेने वाले इस प्रॉफिट को। कौन कौन है लेने वाला इस प्रॉफिट को? एक तो वो है जिसने आपको पैसा दिया, फाइनेंसर आपका, एक गवर्नमेंट है, एक आप हो। इन तीन बंदों ने ये प्रॉफिट लेना है। अब तीन बंदे में से सबसे पहले कौन आए? नेचुरली पहले तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई मेरे को दो, मैं ओनर हूं, मेरे को पैसा दो। तो भाई ऐसा नहीं होता, तो अगर ऐसा होता है तो वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है। तो इसी वजह से हमारे जो सारे रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो उसी हिसाब से बने हुए हैं कि जो जब भी ये प्रॉफिट बचेगा, सबसे पहले ये इन सब लोगों को पे होगा, जब ये प्रॉफिट बचेगा तो उसमें से सबसे पहले जो अपना प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट बर्डन के लिए जाएगा, यानी कि जो फाइनेंसर्स हैं आपके, उनको पे होगा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें से के बाद सेकंड प्रायोरिटी गवर्नमेंट को मिलेगी, कि गवर्नमेंट को उसका हिस्सा दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो आपको मिलेगा, इफ एनीथिंग इज सेव्ड, अगर आप कुछ बचा पाए तब जाके आपको वो मिलेगा, ठीक है जी। अब जब DSCR है, अब DSCR का हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, DSCR के मीनिंग क्या बोलता है कि हमने बिजनेस में से पहले तो देखिए कि नॉर्मल ऑपरेशंस में से प्रॉफिट कितना मक्का आया, नॉर्मल ऑपरेशंस में से प्रॉफिट कितना कमाया। दैट मींस कि एक्सेप्शनल या अनयूजुअल नेचर का जो मेरा खर्चा था या जो मेरी कमाई थी उसको इसमें से हटा दीजिए, उसका इंपैक्ट बाहर कर दीजिए। अब आपके पास ये करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर से नीचे चलिए, या आप नीचे से ऊपर जाइए, या तो आप ऊपर से नीचे आइए या नीचे से ऊपर आइए। क्या मतलब है? ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या आप क्या करेंगे? अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे? आप कहेंगे सर सेल्स
ठीक है, प्लस ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है जी, ये हो गया जी, ये टोटल हो गया। ये नॉन ऑपरेटिंग है तो मैंने इसको कंसीडर ही नहीं किया, ऐड ही नहीं किया, तो माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी फिर मैं माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि ये नेचुरल रेगुलर तो होने ही नहीं है, तो मैं ये रेगुलर रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस कर देता हूं। रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस ये माइनस कर दिए, उसके बाद नॉन कैश खर्चे माइनस कर दिए, नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस कर दी, इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस कर दी, उसके बाद आ गया आपका पीबीटी, उसके बाद आपने टैक्स माइनस कर दिया, उसके बाद आपका आ गया पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मतलब ओनर को अवेलेबल है। ये तो होगी टॉप टू बॉटम अप्रोच, ये ऊपर से नीचे है ना, इसको होगी, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच, ऊपर से नीचे आना। एक तो ये तरीका है काम करने का कि इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो नेचुरली आपको एक एक चीज को उठाना पड़ेगा, एक एक खर्चे को। यहाँ पे अब यहाँ पे तो मैंने लिख दिया रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस, अब ये रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस के भी 3600 टाइप्स होते हैं, तो एक एक टाइप का आपको कैलकुलेटर में प्लस कर करके यहाँ पे लिखिए, तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज है टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो हम क्या फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच, उल्टी वाली फोर, बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करते हैं। अब बॉटम टू टॉप अप्रोच में क्या रहता है, इसको रिवर्स कर दीजिए। आप शुरुआत कीजिए सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरुआत कीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिगिनिंग किया आपने, उसमें से ऐड, उसमें ऐड कर दीजिए टैक्स, क्योंकि टैक्स माइनस हुआ हुआ है ना, तो उसको ऐड बैक कर दीजिए, ठीक है, प्लस नहीं सॉरी टैक्स को अभी माइन अभी आपने ऐड बैक नहीं करना, अभी हम अपना नॉर्मल ऑपरेशंस वाला देख रहे हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप पहले ऐड बैक कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो इसमें से लेस हुए हुए थे वो आप ऐड बैक कर दीजिए, ठीक है। फिर नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसमें पहले से ही ऊपर एडेड बैक था, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसमें से माइनस कर दीजिए। तो ये जो आपके पास निकल के आया, ये आपका निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आपके पास जो निकल के आया ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस, फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस, कि नॉर्मल प्रॉफिट इसको आप बोल सकते हैं कि मैंने बिजनेस में नॉर्मली इतना प्रॉफिट जनरेट किया। अभी बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ नॉर्मल चीजों, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर फोकस कीजिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना आ गया कि मैंने जस्ट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसमें से नॉन ऑपरेटिंग या एक्सेप्शनल या अबनॉर्मल या वन टाइम जो खर्चे या कमाइयां थी उनको मैंने माइनस कर दिया या एड बैक करके उनका इफेक्ट खत्म कर दिया। ये है बॉटम टू टॉप अप्रोच, कि हमने नीचे से स्टार्ट किया और उनको कर दिया, क्योंकि ये चीज करनी थोड़ी सी आसान है, इसमें कैलकुलेशंस कम इन्वॉल्व है, ठीक है, रिजल्ट आपका अल्टीमेटली दोनों वेज में सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि चलो हम समझ गए, आपको आई होप ये लॉजिक तो समझ आ चुका है कि नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को हम क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपने बिजनेस में 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, और आपका जो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू था आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दी थी उसमें से आपको 110 रुपए कमाए थे आपने, तो भाई आपने फिर बिजनेस में से तो कुछ कमाया ही नहीं ना, क्योंकि आपका सारा प्रॉफिट ही किस में से निकल के आ रहा है, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से निकल के आ रहा है नेट प्रॉफिट। तो इस वजह से इनको हटाना जरूरी है, ये देखने के लिए पिक्चर एक्चुअली बिजनेस की, कि बिजनेस अपने नॉर्मल बिजनेस अपना कितना कमाई कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो हमने ये इफेक्ट इफेक्ट को समझ लिया कि हमने ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करना है, ठीक है जी। अब बात ये आती है अपने पास समझने के लिए, इसको इस स्लाइड में समझा देता हूं, अब अपने पास समझने के लिए क्या है कि ठीक है नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मेरे पास आ गया, नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब जो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अब ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट है जो बिजनेस में से अर्न हुआ,
बिजनेस में से अर्न हुआ आफ्टर टैक्स पेमेंट। ठीक है, आफ्टर टैक्स पेमेंट ये प्रॉफिट हमारा अर्न हो गया। तो मेरे को एक चीज आप समझाइए, मेरे को जो ये नेट प्रॉफिट मैंने अर्न किया, जो ये नेट प्रॉफिट मेरे पास निकल के आया, क्या इतना ही मेरे पास कैश होगा बिजनेस में? क्या इतना ही मैंने कैश कैश जनरेट किया होगा? क्या इतना ही मैंने कैश जनरेट किया होगा? मतलब अगर यहां पे मैं इसका इंपैक्ट नलीफाई कर रहा हूं, इसको तो मैंने खत्म ही कर दिया, इसको तो हमने खत्म ही कर दिया कि नॉन ऑपरेटिंग चीजों को तो हमने लेना ही नहीं है अपनी कंसिडरेशन में, इसको तो मैंने खत्म कर दिया। इसको मैं इरेज भी कर देता हूं यहां पे कि नॉन ऑपरेटिंग चीजों को तो क्योंकि हम लेते नहीं है, इसको यहां पे हमने खत्म किया। ठीक है, तो अब मेरा ये सवाल था आपसे कि अब जो ये मेरे पास ये खर्चे खुर्चे निकाल के जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मैंने ये पिछली स्लाइड में भी लिखा है, ये वाला नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि वो चीजें हमने हटा दी, तो क्या ये मेरा कैश को रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैंने 100 रुपए की गुड्स को बेचा, यहाँ पे ये 10 रुपए किया तो टोटल हो गया 110 रुपए, उसमें से मैंने 60 रुपए का ये खर्चा कर दिया, 20 रुपए का मान लीजिए मैंने ये खर्चा कर दिया नॉन कैश वाला, ठीक है 10 रुपए का ये खर्चा कर दिया तो मेरे पास ये बचे 20 रुपए, इसमें से मैंने 5 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया और ये 15 रुपए बचे, तो क्या ये 15 रुपए मेरे पास कैश है? तो ये क्या कैश कमा लिया मैंने बिजनेस में से 15 रुपए? तो आप बोलेंगे कि नहीं सर ये तो कैश कमाया नहीं। तो मैं पूछूंगा कि क्यों नहीं कमाया भाई ये कैश? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस जो डेप्रिसिएशन था, जो प्रोविजंस थी, अमोर्टाइजेशन था, तो उस तरह के खर्चे भी तो इसमें माइनस हुए हैं जिनके लिए हम कोई कैश देते नहीं है, सिर्फ वो एक बुकिश एंट्री होती है डालने के लिए, दिखाने के लिए। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं नॉन कैश खर्चों को फिर क्या करूं, उनका उनको एडबैक करके कैश प्रॉफिट निकालूं? आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि हमने इस चीज को रटा हुआ है कि नॉन कैश खर्चों को एडबैक करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं नॉन कैश खर्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल एडबैक ही क्यों कर रहा हूं, मैं उनको एडबैक करना क्यों चाहता हूं? वो इसलिए क्योंकि जो मेरी लोन की रिपेमेंट जानी है इंटरेस्ट और ईएमआई, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जो मेरी लोन की रिपेमेंट जानी है, क्या वो कैश में जानी है या नॉन कैश में जानी है? सर वो कैश में जानी है पेमेंट। तो भाई अगर मेरे को वो पेमेंट कैश में करनी है तो मेरे को अपने बिजनेस में से ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि मेरी कमाई कैश में कितनी हुई, तभी तो वो दो चीजें कंपेरेबल होंगी। यहां पे मैं देख रहा हूं कि मैंने इतना पैसा कमाया आफ्टर पेइंग हैवी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो मैं ये कैसे उसको कंपेयर कर लूं कि मैं इतना कैश दूंगा उसके साथ? तो जब मेरे पास वो हाथ में जो मैंने कमाया वो कैश में है ही नहीं, क्योंकि उसमें से मैंने हैवी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को लेस किया हुआ है। तो इस वजह से मेरे को उस डेप्रिसिएशन को पहले एडबैक करके, या नॉन कैश कोई भी खर्चा है उसको एडबैक करके उसका इंपैक्ट को नलीफाई करना पड़ेगा, उसके इंपैक्ट को नलीफाई करना पड़ेगा। पहले आपके पास ये नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गए नॉन ऑपरेटिंग खर्चे और इनकम्स को एडजस्ट करने के बाद, उनका इंपैक्ट खत्म करने के बाद, अब इसमें आप ऐड कर देंगे प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि वो इसमें से माइनस हुए होते, तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस आपने इसमें ऐड बैक कर दिए, राइट? तो ये अब आपका एक सवाल और होना चाहिए कि अगर खर्चे नॉन कैश हो सकते हैं तो क्या कोई इनकम भी नॉन कैश नेचर की हो सकती है? तो क्या कोई इनकम भी नॉन कैश नेचर की हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल, इनकम भी नॉन कैश नेचर की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो आपने अपनी आपने क्या किया कि आपने मान लीजिए 70 रुपए का माल एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, तो आपने एक्सपोर्ट किया मान लीजिए 20 मार्च को, ठीक है, तो 20 मार्च के बाद जब 31 मार्च बैलेंस शीट डेट आई तो उस समय क्या हुआ कि जो आपका डॉलर 70 रुपए का था वो 72 रुपए का हो गया, तो आपको 2 रुपए का नोशनल गेन हो गया, आपको 2 रुपए का नोशनल गेन हो गया। तो वो नोशनल गेन आपने दिखा दिया कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इनकम 2 रुपए, जो कि आपको कभी रियलाइज ही नहीं हुआ अभी तक, जो कि अभी तक आपको रियलाइज ही नहीं हुआ क्योंकि आपको अभी तक पेमेंट सामने वाले बंदे से आई नहीं है, ठीक है, वो गेन आपको कभी रियलाइज नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर कोई नोशनल गेन आपने दिखा रखा है और उसको अगर आपने अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में कंसीडर कर रखा है तो उसको आप जरूर डिडक्ट करेंगे, माइनस नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम, माइनस नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम, ये डिडक्ट करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा कैश प्रॉफिट
जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस, कैश प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस। रिमेंबर, जो ये कैश प्रॉफिट आपने जनरेट किया है, ये कैसे जनरेट किया है आपने? ये आपने जनरेट किया है अपने सारे बिजनेस से खर्चे पे करने के बाद, गवर्नमेंट को पे करने के बाद। ये वो वाला प्रॉफिट है जो टेक अवे है, जो आप अपने घर पे लेके जा रहे हैं। कैसे आपने इसको कैसे कंप्यूट किया? तो बेसिकली अब यहां पे अगर मैं उस चीज को दोबारा लिखूं, इन सारी चीजों को मैं अभी दोबारा लिखूं, प्लस अदर नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो अभी तक हमने कंप्यूट क्या किया है? अभी तक हमने कंप्यूट क्या किया? देखिए हमने क्या किया है अभी तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बॉटम टू टॉप और प्रो जो उठाई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाया बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे लास्ट आइटम, उसमें हमने एडबैक किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्योंकि वो माइनस हुए हुए थे, उसको एडबैक किया। अभी हमने माइनस कर दिया इसमें नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है जी, ये अपने पास जो बचा, ये बचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कि हमने बिजनेस में से कितना कमाया, उसमें से हमने उन खर्चों को एडबैक कर दिया जो नॉन कैश नेचर के हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस, चाहे वो है सारे नॉर्मल बिजनेस के खर्चे, पर क्योंकि वो कैश नहीं गया उसमें तो उसको प्लस कर दिया। और जो नॉन कैश इनकम्स हैं जिनसे हमने, हमें कोई कैश नहीं आया, उन इनकम्स को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया? टोटल कैश प्रॉफिट आ गया हमारे पास बिजनेस में, कैश प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। तो मोटा मोटा इसमें से हमने इसका इंपैक्ट नलीफाई कर दिया, इसको खत्म किया, इसका इंपैक्ट नलीफाई किया, इसका इंपैक्ट नलीफाई किया, और अगर इनमें से कोई नॉन कैश नेचर की होगी तो उनका इंपैक्ट नलीफाई किया। तो बाकी तो सारा अभी एज इट इज ही है, बाकी तो सारा हमारे पास एज इट इज ही है। ठीक है, तो अभी अपने को क्या देखना है नेक्स्ट? अभी हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि जो ये प्रॉफिट जनरेट हुआ, जो ये प्रॉफिट जनरेट हुआ क्या ये सारा लेंडर्स को पे हो सकता है? क्या ये सारा लेंडर्स को पे हो सकता है, या लेंडर्स को पे करने के लिए है ये सारा? तो आप देखेंगे ध्यान से कि जो ये मेरे पास प्रॉफिट आया हुआ है, ये जो प्रॉफिट है इसके अंदर गवर्नमेंट को मैंने टैक्स पे किया हुआ है, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हुआ है, तो मेरे को भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट की तो सेकंड प्रायोरिटी है ना, तो इसमें से मैं पहले गवर्नमेंट का टैक्स को ऐड बैक कर देता हूँ, गवर्नमेंट के टैक्स को मैं इसमें ऐड बैक कर देता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट का टैक्स ऐड बैक कर दिया तो मेरे पास ये प्रॉफिट आया। अब उसमें से मैं इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड बैक करूंगा, इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड बैक करूंगा। देखिए वो ऐड बैक क्यों करूंगा मैं इंटरेस्ट कॉस्ट को मैं ऐड बैक क्यों करूंगा? क्योंकि जो ये मैंने बिजनेस में से प्रॉफिट कमाया है, इसमें से मैं इंटरेस्ट का खर्चा भी पे कर चुका हूं क्योंकि वो माइनस है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट का खर्चा भी माइनस है और टैक्स भी माइनस है। तो मैंने ये जो कैश प्रॉफिट कमाया है, इसमें से मैं लेंडर्स का इंटरेस्ट वाला पार्ट पे कर चुका हूं और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट वाला पार्ट भी पे कर चुका हूं। तो भाई मेरे को तो कौन सा प्रॉफिट चाहिए? मेरे को तो वो वाला प्रॉफिट चाहिए जिससे मैं ये देख सकूं कि मैं लेंडर्स को पे करने के लिए मेरे पास कितना पैसा है। तो लेंडर्स को पे करने के लिए तो मेरे पास जो पैसा है वो यहां पे आना चाहिए ना। तो जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यहां पे जो मैंने प्रॉफिट कमाया गया है, ये वो वाला प्रॉफिट है जो मैंने लेंडर्स को पे करने के लिए रखा हुआ है। उसमें अगर इसमें से कुछ बचेगा तो बचेगा, नहीं तो ये सारा लेंडर्स को चला जाएगा, बाकी सारे लॉस में रहेंगे। ठीक है, तो मेरे को यहां तक पहुंचना है इन एक्चुअल, तो मैं इसमें से प्रॉफिट और इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा तो मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा उस प्रॉफिट पे जिसमें से मैं आगे इंटरेस्ट का, ईएमआई का सारा खर्चा आगे बर्डन पे कर पाऊं। देखिए एक चीज आपको ध्यान से समझनी ये है कि जो हम प्रॉफिट बिजनेस में से कमाते हैं, उन प्रॉफिट्स में से ये हमेशा अज्यूम किया जाता है कि आप इंटरेस्ट कॉस्ट भी देंगे और आपका जो साल का प्रिंसिपल का रीपेमेंट है वो भी आप बिजनेस में से ही जनरेट करके देंगे।
अगर आप अपने प्रॉफिट्स में से ईएमआई का पूरा अमाउंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स आपके पास वो प्रिंसिपल रिपेमेंट के लिए कभी भी पैसा नहीं होगा, और प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप फंस जाएंगे अल्टीमेटली, तो आप ईएमआई पूरी नहीं पे कर पाएंगे और आपका आप लॉसेस में चले जाएंगे। तो हमेशा आपके पास प्रॉफिट इंटरेस्ट और ईएमआई के हिसाब से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने उसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड बैक कर दिया और टैक्स अमाउंट को ऐड बैक कर दिया अपने पास। तो मेरे पास जो ये प्रॉफिट निकल के आए, ये प्रॉफिट्स कौन से प्रॉफिट्स हैं, ये वो वाले प्रॉफिट्स हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पहले तो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन से वाले, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि मैंने इसमें से नॉन कैश आइटम्स का इंपैक्ट खत्म कर दिया। तो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रीपेमेंट टू लेंडर्स, क्योंकि इसमें से मैंने टैक्स का अमाउंट ऐड बैक कर दिया और इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड बैक कर दिया, तो ये मेरे पास जो प्रॉफिट निकल के आया, ये वो वाला प्रॉफिट निकल के आया जिससे मैं लेंडर्स को रीपेमेंट कर सकता हूं, वो वाला कैश प्रॉफिट, वो वाला ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट जिससे मैं लेंडर को रीपेमेंट कर सकता हूं। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको एक कैच बताऊंगा कि क्या इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, जो बैंकर्स भी इग्नोर कर देते हैं, काफी लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, बट आप आई होप इग्नोर ना करेंगे उसको। अब देखिए, मैंने ये सब कुछ सारी कैलकुलेशन तो इतनी कर ली, इतना तामझाम आपको बना के दिखा दिया कि कैश नॉन कैश ऐसे एडबैक करना है। भाई क्या जो ये बिजनेस के खर्चे हैं, क्या जो ये सेल्स है, क्या ये भी सारी कैश में होती है? ये भी तो क्रेडिट पे होती है ना, इनका तो कोई हमने इंपैक्ट कंसीडर कहीं किया ही नहीं कि जो क्रेडिट सेल्स है या जो क्रेडिट पे एक्सपेंसेस है उनका तो कहीं पे भी हमने इंपैक्ट नहीं लिया। ये भी तो हो सकता है ना कि ये सारा का सारा सेल मैंने उधार पे किया और मेरे को ड्यूरिंग द ईयर डेटर ने एक खाली एक रुपया भी ना दिया हो, तो फिर इन सारी कैलकुलेशंस का क्या मतलब रह गया? फिर तो ये सारी कैलकुलेशंस बेकार होगी ना मेरी, क्योंकि सारी सेल्स ही उधार पे थी, तो मैं सारा खर्चे उधार पे लेके बैठा हूं, तो फिर क्या कैश प्रॉफिट मैं करके दिखाऊंगा? तो ये बहुत बड़ा फैक्टर आपने कंसीडर नहीं किया, कोई भी नहीं कंसीडर कर रहा बैंक इस चीज को कि सेल्स क्रेडिट पे है या ये क्रेडिट पे है। वो क्या प्रज्यूम कर रहे हैं, वो ये प्रज्यूम कर रहे हैं कि आपके जो डेटर का साइकिल है जो ओपनिंग डेटर का, मतलब साल के बिगनिंग में जो डेटर्स हैं और साल के एंड में जो डेटर्स हैं, जो डेटर का साइकिल है सिमिलरली क्रेडिटर का साइकिल है, वो बिगनिंग और एट द एंड सेम रहता है। कि मतलब अगर 31/3/20 में आपके डेटर्स 90 दिन के बराबर थे तो 31/3/21 में भी वो 90 दिन के बराबर ही होंगे। वो ये प्रज्यूम करता है DSCR का मेथड, ठीक है। तो उससे कमी क्या रह जाती है कि कल को आपका ये डेटर्स 120-180 डेज हो गए, 90-180 डेज हो गए, तो मतलब ड्यूरिंग दैट ईयर जो आपने माल बेचा उसकी पेमेंट आपको बहुत कम आई है, वो पैसा आपका फंसा हुआ है और आपको उसकी पेमेंट बहुत ज्यादा कम आई है। एक्चुअली इसका मतलब ये हो गया, तो उसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो सेल्स है इस साल की वो काफी उधार पे गई है, तो उधार पे गई है तो दैट मीन्स उससे कैश जनरेट नहीं हुआ। तो फिर तो जो ये आप कैश कैलकुलेट कर रहे हैं वो टेक्निकली असली कैश नहीं है, क्योंकि आपको आपका डेटर साइकिल बढ़ गया था तो उस वजह से आपको कैश नहीं आया, ठीक है। तो इस वजह से प्रेफरेबली आपको क्या चीज चेक करनी चाहिए, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को यूज करना चाहिए अपना कैश जनरेशन फ्रॉम प्रॉफिट चेक करने के लिए क्लाइंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बेस्ट वे है इस चीज को चेक करने का, बट अनफॉर्चुनेटली हर एक आपके पास जो केस आता है पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप के केसेस आते हैं उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना नहीं होता, कंपनीज के केस में बना होता है, वो भी आई डोंट नो कि सीएस ने किस एक्यूरेसी से बनाया होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप अपने सीएमए में बना के रखेंगे या आप खुद अपना बना के चलेंगे तो आपको उसकी एक्चुअल कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता लगेगी कि कितना उसने कैश जनरेट किया था, वेदर दैट कैश वाज सफिशिएंट फॉर रीपेमेंट ऑफ उसकी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट और नॉट, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेके चलना है। तो हमने जो DSCR का फॉर्मूला बनाया था तो उसमें से अपने को ये फर्स्ट आइटम तो क्लियर होगी कि टोटल कैश ऑपरेटिंग इनकम एट्रीब्यूटेबल फॉर रीपेमेंट, कि कितना कैश प्रॉफिट ऑपरेटिंग नेचर का, जिसमें से हमने नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग का इंपैक्ट नलिफाई कर दिया और नॉन कैश आइटम्स का नलिफाई कर दिया, और एट्रीब्यूटेबल फॉर रीपेमेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, उसमें से टैक्स और इंटरेस्ट को एड बैक कर दिया, टैक्स और इंटरेस्ट को यहां पे एड बैक कर दिया, और उसको किससे कंपेयर करना है हमने, टोटल डेट ऑब्लिगेशन से। टोटल डेट ऑब्लिगेशन मींस इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब ये टोटल डेट ऑब्लिगेशन अपने को समझनी है कि टोटल डेट ऑब्लिगेशन क्या होती है।
अब देखिए टोटल ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट आपको पता है ब्याज जो देना है, प्रिंसिपल मींस जो मूल उसका चुकाना है, तो इन दोनों को मिलाकर टोटल अपनी क्या बनती है, ईएमआई बनती है। तो देखिए आपको एक तो चीज यहाँ पे ध्यान में क्या रखनी है, देखिए ये एक बिजनेस यूनिट है। अब इस बिजनेस यूनिट ने ये फैक्ट्री लगा रखी है, यहाँ पे स्टॉक पड़ा है, डेटर्स पड़े हैं, कार्स हैं, अदर एसेट्स हैं, बिजनेस के एसेट्स हैं। तो इन बिजनेस के एसेट्स को बनाने के लिए उसने लोन्स उठाए हुए हैं, उन लोन्स को वो ईएमआई उनकी पे कर रहा है। किसमें से पे कर रहा है, इस बिजनेस यूनिट के करंट अकाउंट में से, करंट अकाउंट लिमिट अकाउंट इस बिजनेस यूनिट के अकाउंट में से, ठीक है, उनकी वो वहां से रीपेमेंट कर रहा है और यहां से वो कैश प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, जो हमने पीछे कंप्यूट करने सीखे थे कि कैश प्रॉफिट यहां से जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये बिजनेस यूनिट में से वो सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। तो हम डीएसईआर से क्या देख रहे हैं कि जो ये कैश प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो इन सारे लोन्स को चुकता करने के लिए इनफ है या नहीं है पूरे साल में जो जनरेट किया। तो आपको एक चीज में का ध्यान रखना है कि बिजनेस यूनिट में से वो प्रॉफिट कमाता है क्लाइंट, ठीक है। तो बिजनेस उसके बाद एक जो ये क्लाइंट है आपका, उसकी एक फैमिली है, यहाँ पे उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली में चार पांच बंदे हैं, तो उनके अपने पर्सनल कार्स हैं, पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं और उनके कुछ पर्सनल लोन्स भी चल रहे हैं, उनके कुछ पर्सनल हाउसिंग लोन्स चल रहे हैं, प्रॉपर्टी लोन्स चल रहे हैं, उनके कार लोन्स चल रहे हैं, उनके पर्सनल लोन्स चल रहे हैं। तो भाई एक चीज आप अपने आप से पूछिएगा कि जो आपने ऑब्लिगेशन लेनी है, देखिए इस फैमिली का एक ही बिजनेस है, मैं बार बार कह रहा हूँ एक ही बिजनेस है, और कोई कमाई का जरिया इन फैमिली के पास नहीं है। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, आपको इनकी आईटीआर से पता लगेगा कि और कोई कमाई का अच्छा खासा जरिया है कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास जरिया सिर्फ इसी बिजनेस से है कंप्यूट करने का। तो ये बिजनेस ने जो ये प्रॉफिट कमाया, तो एक्चुअल में इस प्रॉफिट में से खाली ये लाइबिलिटीज पे हो रही हैं या ये भी पे हो रही होंगी। प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा, इस प्रॉफिट में से खाली ये लाइबिलिटीज इस बिजनेस की जो लोन्स की लाइबिलिटीज पे होंगी या इनकी पर्सनल भी निकल रही होंगी बीच में से। अब चाहे वो उसकी एंट्री कैसे भी घुमा के लेके जाते हो, ठीक है, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि भाई इस घराने का, इस फैमिली का कोई और बिजनेस नहीं है, आईटीआर में कोई और कॉन्क्रीट या अच्छा खासा इनकम सोर्स नहीं है, तो ये अपनी ये लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं, तो ये कहां से पे कर रहे हैं। आप अपने क्लाइंट से पूछिए कि सर आप पे कहां से कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ घुमा तो पाएगा नहीं, क्योंकि या तो वो कोई कच्चे में काम कर रहा है, या तो वो आपको पता लग जाए कि भाई कच्चे में इसका काम है तो वहां से इसको ये कमाई हो रही है, तो वहां से इसका ये ईएमआई निकल रही है, देन तो ठीक है, फिर तो आप इसको साइड पे कर दीजिए कि उसकी अलग एक कमाई है, चाहे कच्चे की आपने देख ली कंक्रीट है कमाई, या आपने उसमें से देख लिया आईटीआर में से कि उसकी एक अच्छी खासी कमाई है, तो वहां से इसको ये अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहा है, या तो आप इस तरह से देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको उस चीज का श्योरिटी है कि इसका कोई और काम कुम नहीं है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ करके वो इसी बिजनेस में से पैसा ड्रॉ डाउन करके उनको रीपेमेंट कर रहा है, चाहे वो ये करंट अकाउंट लिमिट अकाउंट में से रीपेमेंट ना कर रहा हो, अपने सेविंग अकाउंट में से पैसा किसी ना किसी तरह से विड्रॉ करके लेके आ रहा हो और यहां से रीपे कर रहा हो। तो कल को जब आपने डीएसईआर के लिए एलिजिबिलिटी देखनी है, तो जब आप ये कैश प्रॉफिट्स कंप्यूट करेंगे, वो तो आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा कैश प्रॉफिट्स की कंप्यूटेशन का, तो उसमें से इंटरेस्ट बर्डन भी वही वाला आएगा, क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट सिर्फ इन्हीं लोन्स का आएगा, इन लोन्स का इंटरेस्ट कभी भी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये पर्सनल लोन्स है, तो उनका इंटरेस्ट बर्डन तो आएगा नहीं, तो उनका इनका इंटरेस्ट बर्डन का इंपैक्ट यहां पे आप नलीफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको करना है, क्योंकि आपको कैश प्रॉफिट एक्चुअल वाला यहीं से दिखेगा। तो यहां पर जो कैश प्रॉफिट आपने देख लिया, उसमें से उसके साथ आप कंपेयर सिर्फ इन्हीं ईएमआईज को करेंगे या प्लस इन ईएमआईज को भी करके चलेंगे, आप दोनों ईएमआईज को कंपेयर करेंगे। अगर उसका कोई और बिजनेस नहीं है तो आप इन दोनों ईएमआईज को कंपेयर करें, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो इसी बिजनेस में से जो कमाई कर रहा है, उसी बिजनेस में से कमाई करके अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक और सर्कमस्टांस भी, सेकंड सर्कमस्टांस क्या होता है कि कई बार ये जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये इस बिजनेस में से अपने आपको सैलरी इंटरेस्ट रेंट ऐसा खर्चा डालते हैं, अपने आपको सैलरी इंटरेस्ट रेंट इस तरह का अपना खर्चा दिखा लेते हैं अपने आपको, और उस तरीके से प्रॉफिट्स अपने आईटीआर में उसको इनकम दिखा लेते हैं, उन्हीं आइटम्स को अपने इनकम्स दिखा लेते हैं जो यहाँ पे इनका खर्चा दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे जो रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस थे इनमें उनका पार्टनर की सैलरी जैसे आ जाती है, प्रोपराइटर की सैलरी आ जाती है, वाइफ को सैलरी आ जाती है, वाइफ को कोई कॉस्ट आ जाती है, तो उस तरह से उनका फैमिली का इंटरनल खर्चा यहाँ पे कई बार उनको डाल दिया जाता है, उनके प्रोफेशनल नेचर का खर्चा या रेंटल डाल दिया जाता है। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, क्योंकि आपने आपने उन खर्चों को माइनस कर दिया, आपने उन खर्चों को माइनस कर दिया तो दैट मीन्स आपने जो ये प्रॉफिट्स हैं उन खर्चों का इंपैक्ट माइनस करने के बाद बताए हैं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है कि या तो वो अमाउंट इतनी इनफ थी कि वो ये लाइबिलिटीज को पे करने के लिए उस लायक थी, फिर तो आप उसको साइडलाइन कर दीजिए। अब देखिए मैं कैसे इसको समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कंबरसम हो जाएगा नहीं तो। अब देखिए अगर आपके बिजनेस में से अगर आपका ये बिजनेस है, ठीक है, ये आप खुद है, आपने बिजनेस में से 100 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया हुआ है, 100 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है, जिसमें से जिसको जिस जो कैसे आया, आपने इस 20 रुपए अपने आपको सैलरी भी पे करी थी, आपने 20 रुपए अपने आपको सैलरी पे करने के बाद 100 रुपए का नेट सैलरी वाइफ को पे की, मान लीजिए वाइफ को पे की, ये वाइफ का आपका अकाउंट है और ये वाइफ को आपने सैलरी पे की और वाइफ ने अपनी पर्सनल आईटीआर में सैलरी फ्रॉम एबीसी एंड कंपनी दिखा के आपने यहाँ पे खर्चा दिखा दिया 20 रुपए सैलरी का और नेट प्रॉफिट दिखा दिया 100 रुपए का, तो यहाँ पे 20 रुपए उसकी जो सैलरी आईटीआर उसने भरी तो उसने दिखा दी सैलरी फ्रॉम एबीसी एंड कंपनी 20 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसके अलग डेट है और वाइफ का एक गाड़ी का लोन चल रहा है अलग से इंडिविजुअल नाम पे, जिसकी वो 2 रुपए पर मंथ ईएमआई पे कर रही, 2 रुपीज पर मंथ ईएमआई उसकी वो पे कर रही, ठीक है, और 20 रुपए उसने यहां पे दिखा रखा है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, अब आप क्या सोच सकते हैं इस चीज को, या तो आप कहें कि अब या तो आप ये बोले, देखिए ध्यान से सुनिएगा, या तो आप ये बोले कि ये 100 रुपए का जो नेट प्रॉफिट है इसमें से जो मैं फैमिली मेंबर्स को इंटरनल पेमेंट है उनको ऐड बैक कर लेता हूं और 120 रुपए ले लेता हूं, ये नेट प्रॉफिट मींस वो वाला प्रॉफिट है, कैश प्रॉफिट, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू लोन पेमेंट जो हमने अल्टीमेटली कैलकुलेट किया था, ये वो वाला प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं सॉरी, ये वो वाला प्रॉफिट है। इसमें से 20 रुपए वाइफ की सैलरी आप और एड बैक कर लीजिए और आप कहिए कि टोटल 120 रुपए है और 120 रुपए के अगेंस्ट, 120 रुपए के अगेंस्ट आप चेक कीजिए कि उसके एबीसी कंपनी के लोन कितने हैं और ये वाली ईएमआई कितनी है, उनका टोटल इसमें से कंपेयर कर लीजिए, 120 डिवाइड बाय टोटल ईएमआई देख लीजिए, ठीक है। या आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप कहें कि मैं इसको 100 रुपए ही लेके चलूंगा और ये जो 20 रुपए है इसकी इनकम अलग से इसके पास है तो मैं इसको अलग ही ले जाता हूं, मैं यहाँ पे 2 रुपए ईएमआई को कंसीडर भी नहीं करूंगा और यहाँ पे 20 रुपए भी कंसीडर नहीं करूंगा, यहाँ पे 100 रुपए लूंगा और यहाँ पे ईएमआई भी बिजनेस की ही लूंगा, ठीक है। तो इन दैट केस अगर आप ऐसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये सेटिस्फाई आपको करना जरूरी है कि जो वाइफ ईएमआई पे कर रही है क्या उसकी इनकम उस ईएमआई को पे करने के लिए सफिशियंट है। अब ये 2 रुपए महीना पे कर रही है तो ये 24 रुपया हो गया, तो ये 20 रुपए तो 24 रुपए को पे करने के लिए इनफ नहीं है, तो इस सिनेरियो में आपका ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। तो मेरी चॉइस क्या बोलती है, मेरी चॉइस ये कहती है कि आप क्या कीजिए, आप नेट प्रॉफिट में जो फैमिली मेंबर्स को इंटरनल पेमेंट्स हैं या अनसिक्योर्ड लोन्स की इंटरेस्ट की 48(2)(b) सेक्शन वाली जो इंटरनल पेमेंट्स हैं फैमिली मेंबर्स को, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, उसको भी साथ में ऐड बैक कर लीजिए, नेट प्रॉफिट नहीं मतलब कैश प्रॉफिट में से उसको भी फैमिली की पेमेंट्स को भी ऐड कर लीजिए, उसको कंसीडर कीजिए और उसके साथ टोटल डेट ऑब्लिगेशन ले लीजिए, टोटल डेट ऑब्लिगेशन ले लीजिए ऑफ फैमिली मेंबर्स एज वेल, ऑफ फैमिली मेंबर्स एज वेल, बिजनेस प्लस फैमिली मेंबर्स की टोटल डेट ऑब्लिगेशंस ले लीजिए, तो इस तरीके से आप कंप्यूट करेंगे तो आपका रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ज्यादा आप एक्यूरेसी पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप थोड़ा बहुत घूमते रह जाएंगे और आपकी एलिजिबिलिटी बनानी आपको मुश्किल में आ जाएगी, राइट। तो अभी अगर आप इसको हम दोबारा साफ साफ लिखें डीएससीआर को तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल कैश प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल फॉर रीपेमेंट टू लेंडर्स
एज जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस, कि हमने नॉर्मल बिजनेस करके कितना कैश प्रॉफिट कमाया जिससे हम लेंडर्स को रीपेमेंट कर पाए, डिवाइड बाय टोटल अमाउंट टू बी पेड टू द लेंडर्स, टोटल अमाउंट टू बी पेड टू लेंडर्स इन अ ईयर, पूरे साल में, क्योंकि ये प्रॉफिट पूरे साल में कमाया ना, तो पूरे साल में कितनी पेमेंट करनी है। ईएमआई तो दो रुपए की ईएमआई तो एक महीने की है, तो पूरे साल में कितनी गई, 2400 रुपए गया ना, तो पूरे साल की पेमेंट देखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो कैश प्रॉफिट्स जो यहाँ पे है, जो कैश प्रॉफिट्स है वो हमने कैसे कंप्यूट करें, नेट प्रॉफिट्स प्लस, पहले तो उसमें से जो ऑपरेटिंग, उसको पहले नेट प्रॉफिट को तो पहले ऑपरेटिंग बना लीजिए, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर लीजिए, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो माइनस कर दीजिए, दैट वे आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, कि जो बिजनेस में से कमाया। अब इसको कैश में कन्वर्ट कर लीजिए, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग नेचर के हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग तो आपने ऑलरेडी कर दिए, माइनस नॉन कैश इनकम्स जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की थी, नॉन कैश इनकम्स। अब आप आगे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, ठीक है, अब इसमें आप एड बैक कर लीजिए जो गवर्नमेंट को पेमेंट की है टैक्स की, क्योंकि आप चाहते हैं कि पहले मैं उस अमाउंट तक पहुंचूं कि जो मैं लेंडर्स को पे करने के लिए निकाल सकता हूं अपने बिजनेस में से। तो देखिए, आपके लिए एक नॉलेज के लिए बता दूं कि कई बैंक टैक्स को एडबैक नहीं करते हैं, अलग अलग बैंक के अलग अलग फॉलो करने के तरीके हैं, तो कई बैंक इस चीज को माइनस नहीं करते हैं, टैक्स को एडबैक नहीं करते हैं, वो टैक्स को माइनस करके ही चलते हैं कि गवर्नमेंट को तो उनका शेयर देना ही पड़ेगा, ये प्रज्यूम करके। तो जिस बैंक में भी काम कर रहे हैं उस हिसाब से समझ लीजिएगा फिर। तो ये अपने पास जो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गए, इसको यहां पे लिख देता हूं, ये जो अपने पास आ गए, ये आ गए कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर रीपेमेंट टू लेंडर्स। इसमें से आप फैमिली मेंबर्स को इंटरनल जो पेमेंट है, इफ एनी फैमिली मेंबर्स को इंटरनल पेमेंट्स जो है, जो अक्रूवल्स नेचर के हैं या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, जैसे सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, सैलरी टू वाइफ, मदर, रेंट, इंटरेस्ट, वो आप एडबैक कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये उनकी कमाई उनकी आईटीआर में चली जाएगी। तो अगर आप इसको एडबैक कर लेंगे तो एक तो ये प्रॉफिट्स आपके अप हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली कोई खर्चा होता नहीं है फैमिली मेंबर्स वाला, ये तो विद इन द फैमिली ही पेमेंट रहती है ना, तो विद इन द फैमिली है, तो आप इसको एडबैक करके चल सकते हैं, ये काइंड ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होती है। तो इसको एडबैक कर लीजिए, तो जो ये प्रॉफिट आपको निकल के आएंगे, मेरे मेरे व्यू में आप इनको कंसीडर कीजिए। हालांकि कई बैंक सिर्फ इसी को कंसीडर करते हैं और यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की लाइबिलिटीज को ही कंसीडर करते हैं, पर्सनल लाइबिलिटीज को छोड़ देते हैं, कई बैंक इस तरीके से भी काम करते हैं। बट मेरा मानना यह है कि उसमें से आप बहुत बड़ा एक पार्ट मिस कर जाते हैं, कि एक उनके जो पर्सनल कमाई आईटीआर की वो इतनी ज्यादा नहीं होती, ये वाली जो बिजनेस में से निकाल के उन्होंने दिखाई होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाए, ठीक है। तो मेरा मेरा थोड़ा उस चीज में डिस्कनेक्ट है कि मैं उस चीज को कंसिडर नहीं करना चाहता होता। तो यहाँ पे आप इसको ले लीजिए और ये आपको अमाउंट को आप डालिए यहाँ पे, ये आपका आ गया कि टोटल बिजनेस में से कितना कैश हमने कमाया, ठीक है। उसके बाद आप कीजिए कि कितने पैसे आपने पे करने हैं पूरे साल में। इसमें आप बिजनेस के जो सारे ईएमआई वाले लोन्स हैं उनकी ईएमआई को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ईएमआई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों आ जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरे साल का आ जाएगा। प्लस आपके जो पर्सनल इंडिविजुअल्स हैं, जो भी आपके गारंटर्स बिजनेस में आ रहे हैं, उन गारंटर्स के जो लोन्स हैं उनकी ईएमआई को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपकी कोई सीसी लिमिट है, ओडी लिमिट है, उसका सीसी ओडी लिमिट में कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट तो होता नहीं है, सीसी ओडी लिमिट में तो सिर्फ हर महीने ब्याज जाता है। तो अगर आपके 100 रुपए की लिमिट है तो 10% का ब्याज है, तो 10 रुपए की लाइबिलिटी यहाँ पे ब्याज की डाल लीजिए।
अगर आपने कोई बैंक गारंटी दी है तो बैंक गारंटी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 2% कमीशन है, 100 रुपए की बैंक गारंटी थी तो उसका 2 रुपए का खर्चा यहाँ पे डाल लीजिए, तो जो भी बैंक के खर्चे आपको पता है कि रीपे होने हैं पूरे साल में वो आप साथ में डाल लीजिए। प्लस इसमें कोई अगर आप लोन प्रपोज कर रहे हैं, कोई आप लोन नया लोन देने जा रहे हैं जो एग्जिस्टिंग नहीं चल रहा, प्लस जो आप नया लोन देने जा रहे हैं, जैसे कोई 50 लाख रुपए का आपने मशीनरी लोन देना है 5 साल का, तो उसकी ईएमआई निकाल लीजिए 5 साल के हिसाब से, जो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे वो ईएमआई इनटू 12 भी आप यहाँ पे डाल लीजिए प्रपोज्ड ऑब्लिगेशन में। प्रपोज्ड ऑब्लिगेशन में इसको आप डाल लीजिए, तो जब आप ये डालेंगे तो आपकी ये सारी टोटल प्रपोज्ड ऑब्लिगेशंस आ जाएंगी अगेंस्ट द बिजनेस इनकम्स, तो आप कंपेयर करके देख लीजिएगा कि ये रेशो आपकी फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। ये जो रेशो है वो मिनिमम मिनिमम 1 की आनी चाहिए, आपकी मिनिमम 1 की होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 100 रुपए आपने कमाया तो 100 रुपए ही आप पे कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आपने 100 रुपए कमाया और पे आपको 110 कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप फंस रहे हैं। कमा 100 रहे हैं, पे 110 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पाएंगे, और पे नहीं कर पाएंगे तो आप अल्टीमेटली आगे चल के फंस जाएंगे। तो DSCR का कॉन्सेप्ट बेस्ड अभी इतना ही है हमारे पास, इसको अभी और थोड़ा सा रिफाइन करके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। DSCR के ऊपर मैं थोड़ा टाइम और स्पेंड करना चाहता हूँ, अभी मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ ज्यादा समझा के, तो मैं और इसके ऊपर टाइम स्पेंड करूंगा, कैलकुलेटर लेके आऊंगा आपके सामने DSCR की कैलकुलेशन का, एक दो आपके सामने एग्जांपल्स लेके आऊंगा कि कैसे कंप्यूट करनी है DSCR, इसको थोड़ा और रिफाइंड तरीके से और ज्यादा तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बट आई होप आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ा होगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपको हाथ किया तो वो बैठ के क्लियर करूंगा। तो आई होप आपने इंजॉय किया होगा लेक्चर, बाकी मैं आपको नेक्स्ट संडे मिलूंगा। थैंक यू।